रोहिणी सेक्टर 24 में वकीलों के लिए एक लाइब्रेरी खोली गई है। इस लाइब्रेरी में वकील और लॉ के स्टूडेंट एक साथ स्टडी कर सकते हैं। इस लाइब्रेरी में लॉ की किताबें रखी गई हैं, आगे कानून से जुड़ी अन्य किताबें भी लाई जाएंगी। इसके साथ ही डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा भी जल्द शुरू होगी। लॉयर्स फॉर लॉयर्स संस्था के फाउंडर एडवोकेट प्रदीप खत्री ने बताया कि लाइब्रेरी का उद्घाटन शनिवार को विवेकानंद संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर एस सी वत्स और पूर्व जज भरत चुग ने किया। एडवोकेट प्रणय गर्ग ने बताया कि उन्होंने वकीलों और स्टूडेंट के लिए लाइब्रेरी के लिए अपनी जगह मुहैया कराई है। इस लाइब्रेरी को बनाने का उद्देश्य वकील और लॉ के स्टूडेंट यहाँ आकर कानून से जुड़ी अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं। इस लाइब्रेरी का लाभ एडवोकेट्स और कोई भी लॉ स्टूडेंट निःशुल्क ले सकते हैं। इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं है। गर्मी में किसी को परेशानी ना हो, इसके लिए लाइब्रेरी में एसी की भी सुविधा कराई गई है। उद्घाटन समारोह में कई जज और एडवोकेट्स शामिल हुए। हमने लॉकडाउन के दौरान हमारे वकील भाइयों ने एक चीज़ समझी है, जितने भी हमारे वकील भाई हैं, अगर कभी भी वकील के साथ किसी भी प्रकार की कोई विपदा आती है तो उसकी मदद के लिए जो सबसे पहले हाथ उठते हैं वो उसके भाई वकील भाइयों के आते हैं। तभी हमने लॉकडाउन के टाइम पे एक संस्था शुरू की थी वकील भाइयों के लिए, वकील भाइयों के द्वारा, जिसका नाम हमने रखा था लॉयर्स फॉर लॉयर्स, यानी वकील भाई वकील भाइयों के लिए। जो लॉकडाउन के टाइम से आज तक पूर्ण रूप से वकील भाइयों की सेवा में समर्पित है, उसी संस्था ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए दिल्ली के अंदर, क्या मैं कहूँगा पहली बार इंडिया के अंदर, पूरे देश के अंदर पहली बार वकील भाइयों ने मिलके अपने वकील भाइयों के लिए और होने वाले फ्यूचर जनरेशन लॉयर्स के लिए जो वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं, लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए एक लाइब्रेरी तैयार की है जो पूरी तरह से फुल्ली फर्निश्ड, फुल्ली सेंट्रली एसी, और जिनके अंदर वकील भाइयों के लिए सारी सुविधाएं, अलग अलग लीगल रिसर्च इंजन्स, अलग अलग बेयर एक्ट्स, अलग अलग मैनुअल्स, उनका प्रावधान रखा गया है, जिसके लिए हमने एक जगह मुकर्रर की और उस जगह के अंदर हमने एक बहुत ही भव्य पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी का एक लाइब्रेरी तैयार की है, जिसके अंदर हम एक साथ 100 से लेकर 125 तक व्यक्ति एक साथ बैठ सकते हैं, वहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। जिनके अपने अपने सपने हैं, अलग अलग वकील भाइयों के सपने हैं, किसी को जुडिशरी में जाना है, किसी को सिविल सर्विसेज में जाना है, लेकिन किसी भी कारणवश आर्थिक स्थिति की वजह से, पारिवारिक स्थिति की वजह से उनको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, एक ऐसा माहौल नहीं मिल पाता कि जहाँ पे वो तैयारी कर सकें। तो उन सभी भाइयों के लिए हमने ये लाइब्रेरी तैयार की है जहाँ पे वो बैठ के अपने सपनों को पंख लगा के अपने सपने पूरे कर सकते हैं।